हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में दो दिन बाकी हैं। आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार की गूंज थमने वाली है। वहीं गुरुग्राम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुधीर सिंगला इन दिनों तूफानी दौरे करने में जुटे हैं और उनके तूफानी दौरे का आज आखिरी दिन है, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर चुनाव प्रचार को शाम तक समाप्त कर देंगे। सुधीर सिंगला पिछले 21 दिन पहले से गुरुग्राम विधानसभा में लगते सेक्टर कॉलोनी और गांव में दौरा कर अपने विजन को लोगों के सामने रखा। इसी दौरान गुरुग्राम पिछले लंबे समय से जिन मुद्दों से भटक रहा है, उन्हीं मुद्दों के जिक्र जनता के बीच जाकर सुधीर सिंगला करते नजर आए। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी सुधीर सिंगला ने पिछले 21 दिनों में अपनी पूरी मेहनत झोंक दी है। इस मेहनत के दम पर सुधीर सिंगला गुरुग्राम में विधायक बनकर गुरुग्राम की स्थिति को सुधारने के सपने देख रहे हैं। मगर सुधीर सिंगला का ये प्रचार और मेहनत कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।